conversation session. So today we are going to study a new chapter of our book, that is chapter number 12, Time with Grandparents. आज हम chapter number 12 पढ़ेंगे जो कि है Time with Grandparents. Grandparents मतलब दादा दादी. हमको बचपन से सिखाया जाता है, our parents और our teachers always taught us कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों को समय देना चाहिए. सो यहाँ पे उसी के बारे में कॉन्वर्सेशन है. सो चिल्ड्रन, ये कॉन्वर्सेशन है चिल्ड्रन मीन्स बच्चे और उनके दादा दादी के बीच की, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच की. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, ग्रैंडपा, हाउ डिड यू गो टू द स्कूल. ग्रैंडपा मतलब दादाजी. ठीक है, तो बच्चा पूछ रहा है, दादाजी आप विद्यालय कैसे जाते थे? तो ग्रैंडपा कहते हैं, वी वेंट टू स्कूल ऑन फुट, इट वॉज फार फ्रॉम अवर हाउस, वी हैड टू गो देयर ऑन फुट, डू यू नो व्हाई? दादाजी कहते हैं, हम पैदल जाते थे, यह हमारे घर से दूर था, हमें वहां पैदल ही जाना पड़ता. तो तुम्हें पता है क्यों? चिल्ड्रन, व्हाई? बच्चा पूछता है क्यों? तो ग्रैंडपा कहते हैं, दादाजी कहते हैं, बिकॉज देयर वर नो व्हीकल एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय वाहन नहीं थे, कोई भी गाड़ियां जो रहती हैं वो समय नहीं चलते थे, दैट्स व्हाई दे हैव टू गो ऑन फुट, इसलिए उनको पैदल जाना पड़ता था. देन चिल्ड्रन आस्क ग्रैंडमा, अब वो दादी जी से पूछ रहा अपनी ग्रैंडमा, डिड यू ऑल्सो गो टू द स्कूल ऑन फुट, क्या आप भी विद्यालय पैदल ही जाती थी? तो ग्रैंडमा कहती, यस माई चिल्ड्रन, बट माई स्कूल वॉज नियर अवर हाउस, वी हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. हाँ मेरे बच्चे, लेकिन मेरा विद्यालय हमारे घर के पास था, हम वहां बहुत मजे करते थे. देन चिल्ड्रन आस्क, हाउ डिड यू डू सो, आपने यह कैसे करते थे, आप कैसे करते थे? मींस वो पूछ रहा है, आप मजे किस तरह से करा करते थे? ग्रैंडमा, वी प्लेड मैनी गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉच एंड स्किपिंग रोप. सो ग्रैंडमा कहती हैं, वी प्लेड मैनी गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉच एंड स्किपिंग रोप. तो दादी जी क्या कह रही हैं, हम बहुत से खेल खेला करते थे, जैसे लुका छिपी, पांव पिट्टा और रस्सी कूद. फिर चिल्ड्रन बोलते हैं, डिड यू नॉट हैव एनी कंप्यूटर गेम एट दैट टाइम, क्या उस समय कोई कंप्यूटर गेम नहीं थे? तो ग्रैंडमा कहती, नो चिल्ड्रन, एट दैट टाइम देयर वॉज नो कंप्यूटर, वी डिड एवरीथिंग आवरसेल्फ्स, डू यू नो हाउ वी स्टडीड? नहीं बच्चे, उस समय कंप्यूटर नहीं थे, हमें सब कुछ स्वयं ही करना पड़ता था, क्या तुम जानते हो हम कैसे पढ़ते थे? चिल्ड्रन, हाउ ग्रैंडपा, कैसे दादाजी? तो ग्रैंडपा कहते हैं, वी यूज अ स्लेट एंड इंक स्टिक कॉल्ड कलम. सो दादाजी कहते हैं, हम तख्ती व कलम प्रयोग करते थे, स्लेट मतलब तख्ती और इंक स्टिक मतलब कलम का प्रयोग करते थे. एवरी डे वी हैड टू स्मेयर अवर स्लेट विद क्ले, और हमें प्रतिदिन अपनी तख्ती को मिट्टी से पोतना पड़ता था. चिल्ड्रन, ग्रैंडपा, डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो टेल यू स्टोरीज? दादाजी, क्या आपके दादा दादी भी आपको कहानियां सुनाते थे? ग्रैंडपा, यस, एवरी डे अवर ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड अस स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, किंग्स एंड राम एक्सेट्रा. तो दादाजी कहते थे, कहे हाँ, हमारे दादा दादी प्रतिदिन पंचतंत्र, राजाओं व राम आदि की कहानियां सुनाते थे. देन चिल्ड्रन सेड, देन डेफिनेटली योर ग्रैंड पेरेंट्स वर एज गुड एज अवर्स. सो बच्चे कहते हैं, तब तो आपके दादा दादी भी हमारे दादा दादी की तरह अच्छे थे. ग्रैंडपा, यस अवर स्वीट चिल्ड्रन. तो दादाजी कहते हैं, हाँ हमारे प्रिय बच्चे. सो स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज ओवर एंड नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू मेक अ फैमिली ट्री. आपका होमवर्क है कि आप एक फैमिली ट्री बनाइए, वहां पे आप अगर आपके दादा दादी मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स की आपके पास फोटो है तो आप उसे अपने दादाजी की फोटो, फिर अपने दादी जी की फोटो लगाइए, उसके नीचे आप अपने फादर मदर की फोटो लगाइए और फिर उसके नीचे आप अपनी फोटो लगाइए. इस तरह से आपको एक फैमिली ट्री बनानी है. सो दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, टिल दैट थैंक यू.